आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ पे एक गांव है गणखेतर, वहां पर एक मंदिर स्थित है, उसका नाम है अवाई नाग मंदिर। ये नाग नागिन का मंदिर है जो काफी प्रसिद्ध है और इस मंदिर की काफी मान्यता है। तो आज हम इस मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये हमारे नाना नानी के गांव में है और जब भी हम यहाँ आते हैं तो हम जरूर यहाँ पर दर्शन करके ही जाते हैं। और ये जो सामने मोड़ दिख रहा है आपको, ये है हाईवे है शिमला के लिए, शिमला मंडी मनाली के लिए हाईवे है, तो यहीं से जाते हैं सारे। और यहाँ से होते हुए जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं तो वो मंदिर में मत्था टेकते ही जाते हैं, क्योंकि इसकी मान्यता है मंदिर में मत्था टेकना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी मम्मी आगे चल रही हैं, मम्मी के पैरों में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, अभी थोड़े टाइम से स्टार्ट हुई है तो काफ़ी प्रॉब्लम है। तो भगवान से विश मांगती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए, टांगे से उनका जोड़ों में दर्द। इधर से सारे लोग पानी पीते हैं, हाथ भी धोते हैं, बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ही अच्छा। हाथ पैर धोने के लिए काफी लोग आ रखे हैं और सामने इधर है लंगर हॉल। इधर मतलब लंगर किया जाता है, जब जग होता है, जग मीन्स लंगर होता है यहाँ पर, मतलब जून को होता है। तो पिछले साल से और इस साल भी जग नहीं हुआ, बिकॉज कोरोना चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो नहीं हुआ। दो साल हो गए, लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ जग। तो इधर काफ़ी लोग लंगर चख के जाते हैं, काफ़ी अच्छा है। ये जो है, ये इनको गुग्गे बोलते हैं, इनकी भी पूजा की जाती है। ये गार्डन है और सामने से पानी आ रहा है, खड्ड से डोडे की आल से पानी आ रहा है। और ये स्टेयर्स हैं चढ़ने के लिए काफी। इधर हमारे नाना के नाम की भी नेम प्लेट लगी है कहीं पे, तो वो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि बहुत सारी नेम प्लेट लग चुकी हैं, तो यहाँ पर है नहीं, दिख नहीं रही अभी मुझे है। मंदिर की घंटी, ये मेरी भतीजी है। चलो पंखू, बाबा जी के दर्शन करने चलो। जय हट मम्मी हट। अरे जा, तो डंडी से डर रहा है, वो खुर खुर कर रहा है। जय 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 करो करो जय 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 हेलो। ये जो अवाई नाग देवता मंदिर है, ये
हाँ हमारे नाग नागिन का मंदिर है। ये एक ट्रू लव स्टोरी पे बेस्ड मंदिर है। अभी हम इसकी परिक्रमा लगाते हैं। चलो निमी परिक्रमा लगाओ, आ जाओ, चलो आगे, चलो 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 आगे आगे चलो, परिक्रमा लगाओ, चलो। जय बाबे दी बोलो, जय बाबे दी, चलो चलते जाओ आगे, चलो जय बाबे दी। यहाँ पर काफी दूर दूर से भी लोग आते हैं, जो मतलब काफी लोगों को इस मंदिर की जो मेन स्टोरी है उसका नहीं पता, बट काफी मान्यता है। ये जो वैनक देवता जो पानी लाए थे वो पानी आ रहा है ऊपर से डोडे की आल से। इस पानी के लिए भी एक स्टोरी है, वो भी मैं अभी आपको मेंशन करूंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको इस मंदिर की पूरी लव स्टोरी सुनाऊंगी कि कैसे कैसे इधर से पानी आया और कैसे कैसे नाग नागिन आपस में मिले। ओके, तो वीडियो में बने रहिए। मैंने जो आपको आज ये वीडियो दिखाया है अवाई नाग मंदिर का, उसको मैंने मेंशन किया था, ये ट्रू लव स्टोरी पे बेस्ड एक मंदिर है, तो मैं इसकी आपको स्टोरी मेंशन करूंगी, सुनाऊंगी, ताकि आप इस मंदिर की मान्यताओं को जान पाएं कि ये मंदिर कैसे बना, क्या इसकी स्टोरी थी और ट्रू लव स्टोरी किसकी थी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मैं अपने वीडियो हर वीडियो में बोलती हूँ, सो प्लीज़ आपका सपोर्ट मेरे बहुत ज़रूरी है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ये बोलते हुए मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। जो ये ट्रू लव स्टोरी है, एक नाग नागिन की स्टोरी है। जो नागिन है वो एक आम लड़की होती है, गांव की रहने वाली। जिस गांव में ये मंदिर बना हुआ है उस मंदिर की रहने वाली ये लड़की थी, जो नागिन बन जाती है बाद में आफ्टर मैरिज नाग जी के साथ। तो मैं अब बताती हूँ कि इनका आपस में कैसे मिलन हुआ। तो बहुत ज़माने की बात है, ज़माने की, बहुत पुराने ज़माने की बात है, हमने भी सुनी है अपने नाना नानी से, उन्होंने अपने नाना नानी से सुनी है, तो ये चलती आ रही है प्रथा, तो सब अपने पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुनाते रहते हैं। तो जो नाग नागिन है वो एज ए हमारे लाइक नाना नानी ही लगे। तो मैं उनकी स्टोरी सुना रही हूँ आपको। तो वो कैसे मिले, तो जब पहले के टाइम पे लोग डंगरे चराने जाते थे, डंगरे मीन्स जानवरों को चराने जाते थे, तो जो नागिन थी वो भी डंगरे चराने जाती थी। इसी मंदिर के नीचे सड़क है, सड़क के नीचे पट है, पट मतलब खाली मैदान है, वहाँ पर डंगरों को चराया जाता था। तो वहाँ पर वो चराने जाती थी डंगरों को। तो ऐसे ही नाग जी उनसे मिलने आने लगे। नाग जी को वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, अच्छी लगने लगी, उनको मन को भाने लगी। तो धीरे धीरे वो उनसे रोज़ मिलने आने लगे। लड़की को भी नाग जी बहुत ही अच्छे लगने लगे, उनको एक दूसरे से आपस में प्यार हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे करके उनकी प्रेम की कहानी बढ़ती गई और बहुत प्यार हो गया। तो एक दिन उन्होंने फैसला किया कि हम शादी करें। तो शादी के करने के लिए उन्होंने कहा कि शादी की बात करने के लिए आपको मेरे पेरेंट्स यानी कि माता पिता से मिलना होगा और शादी की बात करनी होगी। तो नाग जी ने कहा कि ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करना है, जैसे आपस में कपल्स करते हैं, तो वैसे ही उन्होंने बात करी। तो नाग जी जो है अवाई नाग, वो हमारे गणखेतर एक गांव है हिमाचल प्रदेश में बैजनाथ में, वहां पर ये गए नाग जी और उन्होंने उनके पेरेंट्स से बात की, नागिन के पेरेंट्स से जो एक आम लड़की थी उनसे बात की। तो उनके घर वो गए तो उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, मिलवाया नागिन ने कि ये रहे। तो जो उनके माता पिता थे, उनको माता पिता थे, उनको वो नाग नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ उसी को दिखाई देते थे, मतलब नागिन जी को ही दिखाई देते थे, वो किसी और को नहीं दिखाई देते थे कि लड़के के रूप में, उनको वो नाग के रूप में नज़र आए, क्योंकि उनको वो
लड़के के रूप में नज़र नहीं आ रहे थे, और फिर उन्होंने उनको उनके पेरेंट्स को अपना असली रूप दिखाया नाग के रूप में कि मैं ये हूँ। तो वो जो पेरेंट्स थे थोड़ी देर के लिए शॉक हो गए कि हमारी लड़की ने इनसे प्यार किया है। तो वो उनकी आगे शादी के लिए शर्त रखते हैं कि आपके साथ हम अपनी बेटी की शादी तब करेंगे जब आप हमारे गांव में पानी लाओगे। तो पानी जो अभी मैंने आपको वीडियो में मेंशन किया है, दिखाया है, वो पानी बहुत ही गहराई से बहुत ही अपर लेवल पे लाया गया है। नाग जी उनको लेके आए थे पानी को बहुत गहराई से, और यही पानी हमारे पूरे गण खेतर में जाता है, खेतों के काम आता है। तो ऐसा करके नाग जी ने अपना काम पूरा किया, अपना वादा पूरा किया, पानी लेके आए। और इसके बाद उन्होंने मतलब नाग नागिन की शादी करवा दी। अब जो है, जो जहाँ से वो पानी लाए थे वो डोडे की आल के नाम से जाने जाती है नदी, बहुत ही गहरी है। इसको अंग्रेजों ने भी खूब पता लगाने की कोशिश की कितनी गहरी है, तो अभी तक ये पता नहीं लग पाई है। तो पहले के ज़माने में इस नदी से बर्तन भी मिलते थे, बहुत ही ज़्यादा सत था, यानी कि सच्चाई थी, जो मांगते थे वो मिल जाता था। लेकिन कभी किसी ने कुछ गड़बड़ी की तो उसके बाद ऐसा कुछ होना बंद हो गया। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर मेरे वीडियो आप सबको पसंद आ रहा है तो ये जो लव स्टोरी है आप शेयर कीजिए, बताइए कि ऐसा सच्चाई में भी होता है। मूवीज़ में तो आपने सुना ही होगा, देखा होगा इच्छाधारी नाग नागिन की लव स्टोरी, तो ये सच्चाई की सच्चाई पे बेस्ड स्टोरी है मेरे गांव की, मेरे नाना नानी के गांव की, मेरे नाना नानी ही लगे। तो इनसे जो भी विश मांगो पूरी होती है, और आप भी यहाँ पर दर्शन के लिए आइए, आपको बहुत ही अच्छा सुकून मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेंशन कीजिए आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप वो भी मेंशन कीजिए। थैंक यू।